नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी में हिंदी विषय में पाठ 12 पढ़ेंगे। और हमारे पाठ 12 का नाम क्या है? पेड़ का चोर। तो उसमें हम सबसे पहले नए शब्द पढ़ेंगे। तो नए शब्द में सबसे पहला शब्द है जमींदार। तो जमींदार कौन होता है? जिसके पास बहुत जमीन हो, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होगी उसे क्या कहेंगे? जमींदार। तो दूसरा शब्द है शौक। शौक का अर्थ होता है पसंद, जो चीज आपको पसंद हो। तीसरा शब्द है आपका पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है वातावरण, हमारे चारों तरफ का वातावरण। अगला शब्द है लकड़हारा। लकड़हारा कौन होता है? लकड़ी काटने वाला। लकड़हारा कौन होता है? लकड़ी काटने वाला। अगला शब्द है चौकीदारी। चौकीदारी क्या होते हैं? रखवाली करना। चौकीदारी का अर्थ क्या है? रखवाली करना। अगला शब्द है राहत। अगला शब्द है राहत। राहत करना क्या होता है? आराम करना। अगला शब्द है राहगीर। राहगीर, राहगीर कौन होता है? रास्ते पर चलने वाला। आज हमने आपके नए शब्दों में ये कुछ शब्द पढ़े हैं जिनका प्रयोग जो है वो पाठ में किया जाएगा। अब हम इन शब्दों के अर्थ वाक्य सहित लिखेंगे। तो जब हम अर्थ वाक्य सहित लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? कक्षा कार्य, दिनांक और दिन लिखना होता है, कौन सा दिन है। फिर हम पाठ मेंशन करते हैं, कौन सा पाठ है। फिर हम पाठ का नाम मेंशन करते हैं, जैसे पेड़ का चोर। फिर हेडिंग देंगे शब्द अर्थ वाक्य सहित। तो जैसे हमारा पहला शब्द है जमींदार। तो जमींदार का अर्थ क्या था? जिसके पास बहुत जमीन हो, जिसके पास बहुत जमीन हो। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? तो जैसे हमें जमींदार शब्द का वाक्य बनाना है, जमींदार शब्द का वाक्य बनाना है। किसका वाक्य बनाना है? जमींदार शब्द का। तो जिसका अर्थ क्या है? गाँव में हमने एक वाक्य बनाया है, गांव में एक जमींदार रहता था। कौन रहता था गांव में? एक जमींदार रहता था। अगला शब्द है शौक। अगला शब्द है शौक। शौक का अर्थ है पसंद। तो इसका हम बाकी कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मुझे पेड़ लगाने का बड़ा शौक है, मुझे पढ़ने का शौक है। ऐसे आप कुछ भी वाक्य जो है बना सकते हैं। लेकिन वाक्यों में हम किसका प्रयोग करेंगे? शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला शब्द है लकड़हारा। सो लकड़हारा का अर्थ क्या है? लकड़ी काटने वाला। कौन होता है लकड़हारा? लकड़ी काटने वाला। तो इसका वाक्य क्या है? लकड़हारा बहुत ही मेहनती था, या लकड़हारा बहुत मेहनती था, या फिर लकड़हारा लकड़ियां काटता था, या फिर लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। तो आप वाक्य जो है वो कुछ भी बना सकते हैं। चौथा शब्द है हमारा चौकीदारी। चौथा शब्द है चौकीदारी। चौकीदारी का अर्थ है रखवाली करना। चौकीदारी का अर्थ है रखवाली करना। तो इसका जैसे मैंने वाक्य बनाया है, चौकीदार घर की चौकीदारी कर रहा है, या चौकीदार स्कूल की चौकीदारी कर रहा है। तो आपका वाक्य जो है वो कुछ भी हो सकता है। अगला वाक्य है राहत। अगला वाक्य है राहत। राहत का अर्थ है आराम। राहत का अर्थ है आराम। और इसका हमने वाक्य बनाया है, परीक्षा में अच्छे अंक आने पर मुझे कुछ राहत मिली, या मैंने कोई अच्छा काम किया जिससे मुझे राहत मिली। तो ऐसे आप इसका कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब पाठ 12। तो सबसे पहले इसमें क्या है? यह भी जाने, यह भी जाने। तो यह भी जाने में सबसे पहले क्या है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलती है? पेड़ों से। दूसरा है नीम की पत्तियां रोगों को दूर भगाती है। जो नीम की पत्तियां हैं उससे क्या होते हैं? रोग दूर भागते हैं। तो नीम की पत्तियां किसमें हेल्प करती हैं?
रोगों को बीमारियों को दूर भगाने में। तो जैसे हमारा पाठ है, पाठ में गांव में एक बड़े जमींदार को पेड़ लगाने का बड़ा शौक था। तो आपका ये जो पाठ है, पाठ का नाम है पेड़ का जोर, और इसमें है गांव में एक बड़े जमींदार को पेड़ लगाने का शौक था। मीनू से बड़ा अच्छा लगता था जमींदार को कि वो क्या लगाए, पेड़ लगाए। उसने अपनी जमीन पर अलग अलग तरह के पेड़ लगा रखे थे। तो उसने क्या किया था, उसकी जो जमीन थी उसमें अलग अलग तरह के पेड़ लगाए थे। वे रोज अपने पेड़ों को गिनता था, और वो क्या करता था, हर रोज अपने पेड़ों को गिनता था। तो देखो ये पिक्चर में दिखाया गया है कैसे जमींदार अपने पेड़ों को गिन रहा है, 1, 14, 21, 35 और पूरे 50। तो उसने पेड़ कितने गिने, 1 से लेकर 50 तक। अब ये जो रास्ते में जो लोग थे, गांव के लोग थे, वो क्या बोलते हैं, पता नहीं ये पेड़ों को क्यों गिनता है। अब जो लोग हैं वो जमींदार को देखकर क्या बातें कर रहे हैं कि पता नहीं ये पेड़ों को क्यों गिनता है। तो जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ चला है वो क्या कहता है, समय बिताने के लिए गिनता होगा, हा हा हा। और वो हंसता है कि ये क्यों गिनता है पेड़ों को, शायद समय बिताने के लिए गिनता होगा, और वो इस पे हंसते हैं। अब देखिए अगली तस्वीर में, अब एक दिन क्या है, एक व्यक्ति राहगीर जो कहां है, रास्ते में चलने वाला है, वो जा रहा था और एक पेड़ के नीचे, और वो क्या कहता है, इस पेड़ के नीचे आराम कर थोड़ी राहत मिली, नहीं तो गर्मी से बुरा हाल था मेरा। अब एक राहगीर है जो चला हुआ है और पेड़ के नीचे आकर वो बैठ गया, पेड़ की छाया में बैठ गया, और उसने कहा किस गर्मी से मुझे राहत मिली, इस गर्मी से मुझे अब जो है वो राहत मिली है, क्योंकि गर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा थी। फिर उसने अगले दिन, देखिए ये जमींदार है, ये कौन है, राहगीर है, और ये जमींदार है, फिर से वो पेड़ों को गिन रहा है, 2, 15, 22, 36 और 49। 49 कितने होते हैं, 49। 49 कितने होते हैं, 49। अब उसने पेड़ों को गिना और पेड़ कितने हुए, 49। अरे एक पेड़ कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब उसने क्या कहा कि पूरे 50 होते थे, अब 49 हो रहे हैं, तो एक पेड़ कहाँ गया। अब वो क्या हुआ, परेशान हो गया कि एक पेड़ जो है वो कहाँ चला गया। अब हर रोज एक पेड़ कम होने लगा, अब हर रोज एक पेड़ जो था वो कम हो जाता, क्योंकि जमींदार तो हर रोज पेड़ों को गिनता था, अब हर रोज एक पेड़ कम होने लगा। परेशान होकर जमींदार ने सारी बात गांव वालों को बताई। अब वो इस बात से परेशान हो गया कि मेरे पेड़ कहाँ जा रहे होंगे, कौन इनको काट रहा होगा, कि क्या हो रहा है पेड़ों के साथ। तो उसने वो सारी की सारी बात किसको बताई, गांव वालों को। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, देखो ये पिक्चर में दिखाए गए, इसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया है और उनके साथ बात कर रहा है। हर रोज एक पेड़ कम हो जाता है, जा रहा है, पता नहीं कौन मेरे पेड़ों को काट रहा है। अब उसने क्या कहा कि हर रोज एक पेड़ कम हो जा रहा है, मुझे नहीं पता मेरे पेड़ों को कौन काट रहा है। तो आगे क्या है, वहां पर जो व्यक्ति बैठे हुए थे गांव वाले, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, क्या फर्क पड़ता है जमींदार, वैसे भी वो पेड़ कोई फल या फूल तो देते नहीं थे। अब वो जमींदार से क्या कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, उन पेड़ों से हमें कोई फल या फूल थोड़ी मिलता था। ऐसा नहीं है, वे पेड़ बहुत काम के हैं। अब जमींदार ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है, वो पेड़ क्या है, बहुत काम के थे। जमींदार जी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं रात को चौकीदारी करूंगा। अब क्या है, जो राहगीर था, जो जिसने पेड़ के नीचे राहत ली थी, वो कहाँ आया, जमींदार के पास आया, और उसने क्या कहा जमींदार से कि जमींदार जी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी जो है वो सहायता करूंगा, और मैं रात को चौकीदारी करूंगा, मीन्स मैं रात को जाकर देखूंगा कि कौन व्यक्ति जो है उनकी पेड़ों को काट रहा है, और मैं पूरी रात पेड़ों की रखवाली करूंगा। तो जमींदार जो है वो हाँ कर देता है, कहता है ठीक है। अगली रात, अब
अगली रात क्या होता है, ये देखो पिक्चर में दिखाया गया है, इस पेड़ को कोई जो इंसान जो है वो काट रहा है। इस गांव का लकड़हारा ही जमींदार के पेड़ काटता है। अब राहगीर ने क्या कहा, देखिए राहगीर ने क्या कहा, किस गांव का लकड़हारा ही जमींदार के पेड़ काटता है। तो ये देखिए लकड़हारा यहाँ खड़ा है और लकड़हारा क्या कह रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं, अब वो मना कर रहा है कि मैं नहीं काटता हूँ, जबकि राहगीर ने उसको रात को देखा है पेड़ों को काटते हुए। तो उसने जब अगले दिन सभी गांव वालों के सामने बताया कि ये जो पेड़ों को काट रहा है वो कौन काट रहा है, इस गांव का लकड़हारा ही पेड़ों को काटता है, तो लकड़हारा मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं काटता। तो आगे देखिए, तुमने ही मेरे पेड़ काटे हैं, लेकिन क्यों। अब जो जमींदार है वो कहता है कि तुमने ही मेरे पेड़ काटे हैं, लेकिन तुमने मेरे पेड़ क्यों काटे। तो अब लकड़हारा क्या उत्तर देता है, वे पेड़ किसी काम के नहीं थे, वे फल फूल नहीं देते थे, बेकार ही खड़े रहते थे। अब उसने क्या कहा कि वो जो पेड़ थे ना वो फल देते थे ना फूल देते थे, वो किसी भी काम के नहीं थे और बेकार में ही खड़े रहते थे। ऐसे शब्द किसने कहे, लकड़हारे ने कहे, ऐसे शब्द लकड़हारे ने कहे। अब जो राहगीर है वो क्या है, वो पूरी बात को बताता है, क्या बताता है वो, कोई भी पेड़ बेकार नहीं होता है। अब उसने क्या कहा कि कोई भी जो पेड़ है वो बेकार नहीं होता, वे तपती गर्मी में राहगीरों को राहत देते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें पेड़ों के नीचे तपती गर्मी में हमें राहत मिलती है, क्योंकि पेड़ों के नीचे छाया होती है तो हमें तपती गर्मी में क्या मिलती है, राहत मिलती है। पेड़ हमें ठंडी हवा देते हैं, पेड़ हमें क्या देते हैं, ठंडी ठंडी हवा। जब भी हम पेड़ों के नीचे बैठे तो हमें क्या लगती है, वहां ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो पेड़ हमें ठंडी हवा देते हैं। सभी पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। आगे उसने क्या कहा कि पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा हम अंदर लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। तो पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अब वो क्या कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जमींदार पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित कर रहा है। उसने क्या कहा कि जमींदार जो है पेड़ लगाकर पर्यावरण मीन्स वातावरण को सुरक्षित कर रहा है। वातावरण कैसे सुरक्षित होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे तो वो हमें छाया भी देंगे, फल भी देंगे, लकड़ी भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे, तो इससे क्या है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अब जो लकड़हारा है उसने क्या कहा, समझ गया, आज के बाद मैं कभी पेड़ नहीं काटूंगा। अब उसने क्या कहा कि मैं समझ गया, आज के बाद मैं पेड़ों को नहीं काटूंगा। सो आगे आपका अभ्यास है जो आपको खुद करनी है। जैसे जमींदार प्रतिदिन पेड़ क्यों गिनता था, तो वो क्यों गिनता होगा, शायद ये देखने के लिए कि पेड़ पूरे है या नहीं है। एक दिन जमींदार के साथ क्या हुआ, एक दिन जब वो पेड़ों को गिन रहा था तो एक पेड़ जो था वो कम हो गया। आगे है, राहगीर ने गर्मी से बचने के लिए क्या किया, तो उसने गर्मी से बचने राहगीर ने क्या किया था, यस, पेड़ की छाया में लेट गया था, पेड़ की छाया में वो लेट गया था। जैसे ये देखिए राहगीर जो है वो पेड़ की छाया में लेटा है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी स्टोरी है, इसलिए हमें पेड़ों को क्या करना है, सुरक्षित करके रखना है, उन्हें कट नहीं करना है। अगर आपको जरूरत पड़ भी जाती है किसी पेड़ को काटने के लिए, तो आप अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह पर आप दो पौधे जो है वो और लगा सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।